बिहार के कई जिलों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने तो कई इलाकों में कोल्ड डे की घोषणा कर दी है। पटना में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 3 दिनों तक यही स्थिति रहने के आसार जताए गए हैं। इसे देखते हुए बिहार के ज्यादातर जिलों में डीएम ने 16 जनवरी यानी आज तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया है, लेकिन शीतलहरी की हालत और आगे की आशंका देख इसका बढ़ना तय है। हालांकि पटना के संत माइकल समेत कई बड़े स्कूल आज से ऑनलाइन मोड पर आ गए हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से स्कूल खुलने को लेकर आगामी आदेश अब तक नहीं जारी किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि दोपहर या शाम तक जिलाधिकारी स्कूलों के खुलने को लेकर नया आदेश जारी कर देंगे। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि अगले 4-5 दिन तक स्कूल बंद ही रहें तो बेहतर होगा। कोल्ड डे में बच्चों को स्कूल भेजने में समस्या होगी, ठंड में बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि पटना के डीएम ने स्कूल बंद करने को लेकर 12 जनवरी को आदेश जारी किया था। इसमें 16 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही कई अन्य जिलों में भी उसी तरह का आदेश जारी किया गया था। हालांकि कई जिलों के जिलाधिकारी ठंड की हालत और बीमारी मौत की खबर जानकर निश्चिंत बैठ गए। पटना के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सारण, सीवान, वैशाली, मुंगेर, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा और मधुबनी जिले में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। पटना, दरभंगा, सीवान, नालंदा और मुंगेर में 8वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई 13 जनवरी से 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इन जिलों में ऊपर की बाकी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे तक चलेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।